तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों, कहानी जो है यहां शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है ग्रेटर नोएडा से। तो पहले पहुंचते हैं ग्रेटर नोएडा और वहां से यहां आते हैं, उसके बाद बाकी की बात करेंगे यहां पहुंचने के बाद। खुश हो, खुश हो। चलिए भाई, भाई चल, भाई प्रणाम करो, बॉय बॉय चल चल, वहाँ बैठोगी, कैसे जाओगी अब, चला लो। डर रहा है अभी, डर रहा है। चलो बेटू, बाय 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 मिठू, मिठू बाय। आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आता हूँ। अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु, गॉड ब्लेस मी, हमारी यात्रा मंगलमय रखिएगा। घर से निकलते समय इंसान थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है, बट कोई ना, बिछड़ेंगे तभी तो फिर मिलेंगे। चलिए मुंबई वापसी की जाए। सो अभी सबसे पहला काम करना है, फ्यूल अप करना है। सो गाइस, फ्यूल अप हो गया और यहाँ बिल बना फ्यूल का, पेट्रोल का 98.84 रुपीस पेट्रोल पर लीटर है। सो 1260 रुपये का पेट्रोल गया है। चलिए फटाफट निकालते हैं, क्योंकि पूरा दिल्ली क्रॉस करके जाना है। दिल्ली गुड़गांव सब होते हुए निकलेंगे, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा से निकले हैं। इन सड़कों को देख के कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। ये सड़क है साउथ एक्स से, जब आप अंसल प्लाजा की तरफ आते हो तो, जब मैं दिल्ली में रहता था, NIIT में क्लासेस करता था, उस समय हम लोग का जैसे क्लास ख़त्म होता था वैसे ही हम सारे फ्रेंड्स भाग के आते थे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये ही है अंसल प्लाजा। उस टाइम पे बहुत खूबसूरत मॉल हुआ करता था, इस टाइम पे तो बहुत सारे मॉल्स बन गए हैं, लेकिन जिस टाइम पे 2008-09 की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत कम मॉल्स हुआ करते थे और बहुत फेमस मॉल था ये जो है अंसल प्लाजा। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ढाई घंटे लग गए मुझे गुड़गांव से बाहर निकलने, मतलब कि नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव निकलते निकलते ढाई घंटे लग गए। और क्या ट्रैफिक थी, और ट्रैफिक के साथ साथ इतनी ज्यादा गर्मी यार, इतनी ज्यादा गर्मी। तो दोस्तों, थोड़ी देर में मैं एंटर कर जाऊंगा राजस्थान। सो मैंने 2020 के अक्टूबर में राजस्थान राइड की थी। सो अगर वो सीरीज देखना है तो ऊपर देखो आई बटन में आ रहा है, जा करके आप इंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, बावल गांव है, तो बावल में मैं रुक करके मैंने पानी लिया। भैया इधर आओ, ये भैया का दुकान है, भैया की दुकान पर हमने पानी खरीदी है। और गर्मी लिटरली हालत ख़राब करके रखी हुई है। भैया ने बताया कि 2 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए गाइस, पीते हैं। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए थे, तो हाइड्रेट होना ज़रूरी था, नहीं तो चक्कर आ रहा था बाइक चलाते चलाते। बावल से जैसे ही 3 किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे, वैसे ही ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे हमारे किसान भाई लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। देखो यार, इतने दिनों से अगर किसान भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात तो मान गया हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर है इसमें। ऐसे इतने दिन तक कोई नहीं बैठेगा यार धरने पे। से 3-4 घंटे राइड करने के बाद हम शाहपुरा, एक जगह है उसके पास होटल है, होटल किंग हाईवे। सो हमने यहाँ लंच किया, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो रास्ते पे हाईवे पे हर जगह मेंशन किया हुआ था चूक ना जाना किंग का खाना, लेकिन हमने खाया। पता नहीं इंडिया में क्या लोगों को प्रॉब्लम है, क्यों ऐसे करते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों को हाइप बना देते हैं। मैंने खाना खाया, मुझे बहुत अप टू मार्क नहीं लगा। सो मेरे 250 रुपये तो भैया बर्बाद हो गए। सो कोई नहीं, अब रास्ते पे चल रहे हैं, भूख लगी हुई है तो आपको खाना पीना तो करना ही पड़ेगा। सो यहाँ से अभी भी
जयपुर 80 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जयपुर। भाई साहब लिटरली बहुत खतरनाक वाली गर्मी थी, सो हालत ख़राब हो गई यहाँ तक पहुंचने में, जयपुर तक पहुंचने में। अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, अभी जयपुर से मुझे मुंबई भी जाना है गर्मी के टाइम पे, तो अपने को हाइड्रेट करते रहो। मैंने गलती की, मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया, जिसके कारण बॉडी मेरी जो थी बहुत बुरे तरीके से डिहाइड्रेट हो चुकी थी, जिसके कारण एनर्जी जो है बिल्कुल लो हो गई है। ठीक है तो दोस्तों, आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है जयपुर से उदयपुर की। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करूँगा आज, पूरे दिन में सिर्फ 400 किलोमीटर ही राइड करूँगा, क्योंकि राजस्थान में लिटरली इस टाइम पे बहुत गर्मी है। तो हम रुके हुए थे मुस्टैच हॉस्टल, जो कि सिंधी कैंप में है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप भी जयपुर में आते हो तो एक बार आकर के देख लेना, आपको भी, मैं गारंटी लेता हूँ आपको भी ये प्रॉपर्टी पसंद आएगी। अगर आप सोलो राइड सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए हॉस्टल है, आपके लिए डॉर्म रूम्स है, और अगर आप कपल हो फैमिली हो तो आप यहाँ पर आकर के प्राइवेट रूम में रुक सकते हो, जैसा कि मैं रुका हुआ था। और ये है इनका प्राइवेट रूम जहाँ पर हम थे सिर्फ अकेले। चलिए निकलते हैं यहाँ से और बाकी की बात आपसे करते हैं बाइक पे चतक पे बैठने के बाद। चलिए लेट्स गो। गर्मी तो हालत ख़राब करेगी। चलो गाइस जयपुर से विदा लेने का टाइम हो चुका है, 9:51। अभी करेंगे पहले फ्यूल अप, उसके बाद आगे निकलेंगे। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। सो आ गए पेट्रोल पंप पे, यहाँ फिल अप कराते हैं, उसके बाद आगे भागते हैं। 9.76 लीटर गया। राइडिंग छोड़नी पड़ेगी अपने को, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, 109 रुपया जयपुर में पेट्रोल हो चुका है। फाइनली हम आ चुके हैं हाईवे पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और राजस्थान की एक बड़ी अच्छी चीज़ है भाई साहब, राजस्थान में रोड्स जो है मक्खन है, बिल्कुल मक्खन, खुद देख रहे हो ना। राजस्थान के रोड से मैं बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है इस रास्ते पे कि जब आउटर पे चले जाएंगे तो ये जो आपको बैरिकेडिंग देख रही है ना साइड में, ये नहीं मिलेगी, जिसके कारण गाय भैंस बैल बकरी सब कुछ रास्ते पे होता है। सो थोड़ा सा इस टाइम पे आपको संभाल के चलाना पड़ता है, बाकी राजस्थान रोड बहुत सही है। ये देखिए गाय माता जो दिख रही है ना, ये कभी भी लेफ्ट राइट हो जाती हैं रास्ते पे। और अभी एक मैंने देखा, गोप्रो ऑफ था, मैंने देखा एक कैमल को उस साइड से दौड़ता हुआ आ रहा था, और ये कुछ लोग हैं जो ऑफ ये रॉन्ग साइड से घुसते हैं, इनसे तो अलग पूरा हिंदुस्तान परेशान है जो लोग रॉन्ग साइड से घुसते हैं। ये देखिए सो दोस्तों, अभी मैं किशनगढ़ क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ से लेफ्ट होकर चले जाओगे तो चंडीगढ़ मकराना और किशनगढ़ सिटी चले जाओगे। मुंबई यहाँ से 894 किलोमीटर है, जो कि हम कल पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कल पूरा करने का। सुबह उठ नहीं पाता हूँ और निकलता लेट हूँ, तो क्या होगा, लेट जब निकलोगे आप तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर नहीं पाओगे। और एक राइडर के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जा रहा हूँ, बॉडी पूरी थक जा रही है, जिस कारण नींद पूरी नहीं हो रही है, तो लेट तक मैं सोया रह रहा हूँ। अभी जो है हम अजमेर के आसपास से क्रॉस कर रहे हैं, राइट साइड में आपको अजमेर सिटी है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर आप जाओगे तो अजमेर सिटी आ जाएगी। ये अजमेर की पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं जो दिख रही हैं, और अजमेर आप जाओगे फिर उसके बाद आप वहाँ आगे बढ़ोगे 15 किलोमीटर तो आपको पुष्कर मिलेगा। और ये जा रही है जो हाईवे, ये जा रही है मुंबई उदयपुर होते हुए, सो ब्यावर हम होके जा रहे हैं, आगे ब्यावर आने वाला है। ये जो आपको पहाड़ टूटते हुए दिख रहे हैं ना, ख़राब होते हुए दिख रहे हैं ना, इसके ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। अभी जो सांगला वैली में जो लैंडस्लाइड हुई है यार, देख के रूह कांप गया। और कोई ऐसा नहीं है कि नेचर जो है वो कर रहा है, ये सब किया धरा हम लोगों का है, हम लोगों ने इतने अपने नेचर को बर्बाद कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया है। ये सब चीज़ें अब आम हो जाएंगी, पहाड़ टूट के खुद से गिरना, हम पहाड़ पे जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं अपने यूज़ के लिए, यार वो पेड़ जो होते हैं वो पकड़ के रखते हैं उन पहाड़ों को, अब काटोगे पहाड़ों में जाओगे घूमने फिरने, पॉलिथीन चिप्स के पैकेट्स जो हो गए,
बॉटल्स हो गए पानी वाले, ये सब आप फेंक देते हो यार। प्लास्टिक कभी अच्छा नहीं है। और आप यार जाते हो ठीक है, घूमो फिरो, खाओ पियो, कोई टेंशन नहीं है यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लेके गए हो चिप्स के पैकेट्स, उसके पैकेट्स रोड पे ना फेंको, उसको कहीं या तो डस्टबिन ढूंढो वहाँ फेंक दो, या फिर अपने साथ उसको कैरी करके चलो यार। 12:30 पे 12:30 में हम ब्यावर से क्रॉस कर रहे हैं। आप अगर इस ब्रिज से राइट हो जाओगे तो ब्यावर चले जाओगे। गाइज इफ़ यू वांट टू वॉच फुल वीडियो ऑफ जयपुर टू उदयपुर तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जाकर देखिए। अगर नहीं जा सकते प्लेलिस्ट में तो ऊपर देखो, ऊपर आई बटन में आ रहा है। लंच हो चुका है, लंच का बिल आया जो 300 का बिल आया लंच का। सो गर्मी सुबह ज़्यादा लग रही थी, अभी जो है बॉडी लगता है गर्मी, मतलब गर्मी के हिसाब से एक्लाइट हो गई है। सो गर्मी उतनी ज़्यादा तो नहीं लग रही है, धूप भी कम है और मौसम थोड़ा मौसम जो है थोड़ा सही हो चुका है। कल जो थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, लेकिन आज उतनी गर्मी और उतनी ह्यूमिडिटी है नहीं। 160 किलोमीटर उदयपुर बचा हुआ है और टाइम बता रही है गूगल माता 2:40, और अभी स्टार्ट करेंगे बाइक तो 5 बजे हम उदयपुर में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, लंच हो चुका है, थोड़ी सी झपकी भी लग रही थी सो थोड़ा आराम भी कर लिया, 10 मिनट पावर नैप ले लिए। चलिए लेट्स गो। अभी जो आप सड़क देख रहे हो ये जब आप जयपुर से जा रहे हो उदयपुर, या उदयपुर से जब जयपुर आ रहे हो, तो आपको 90 किलोमीटर का जो पैच है वो 2 लेन मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो रोड बिल्कुल ख़राब नहीं है, रोड बिल्कुल स्मूथ है, कहीं भी टूट खड्डे पड्डे नहीं है, लेकिन आपको 2 लेन पे ही चलना पड़ेगा 90 किलोमीटर के आसपास। मतलब कि 400 में से आप 90 किलोमीटर आपको चलना होगा 2 लेन पे, और बाकी का बचा 310 किलोमीटर वो आपको मिलेगा मस्त 4 लेन। यहाँ से अब आ गया है 4 लेन। श्रीनाथ जी उदयपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड आपका स्वागत करता है। अहमदाबाद 341 उदयपुर 90 राजसमंद 27 1140 रुपये का पेट्रोल गया है 10.39 लीटर। अगर राजस्थान सीरीज़ देखी होगी तो उसमें ये टनल दिखा था, नहीं देखी तो फिर से जाके देख लो यार, पूरी सीरीज़ की है मैंने राजस्थान, फिर से बता रहा हूँ। उदयपुर यहाँ से 15 किलोमीटर बचा है। ऐसे कैसे तैसे करते हुए पहुंच गए। गर्मी जयपुर से निकला था तो गर्मी जयपुर से 100 किलोमीटर तक जब आगे बढ़ा तो गर्मी अच्छी खासी थी, फिर जैसे उदयपुर के नज़दीक आता गया वैसे गर्मी कम होती गई, क्योंकि उदयपुर में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही थी। सो उदयपुर पहुंचा हूं, रूम के अंदर हूं इसलिए गर्मी हो रही है, क्योंकि एसी अभी ऑन नहीं किया है, जस्ट अभी पहुंचा ही हूं, 5:30 हो रहा है तो टाइम से पहुंच गया। सो ये व्लॉग में बहुत कुछ था नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि फिर से वही चीज़ रिपीट होती है जब मैं राजस्थान राइड कर रहा था, तो वो वही व्लॉग उस समय किया था जयपुर से उदयपुर का। तो आप जाइए जाकर के वो वाला व्लॉग देखिए, ऊपर आई बटन में आ रहा है, जाकर के देख सकते हो।